नमस्कार। अनुगामिनी प्रस्तुत कथक वेद में मैं अमला शेखर आप सबका स्वागत करती हूँ। कथक वेद की भूमिका हमने स्पष्ट करी की है, अब हम आगे चलते हैं कथक की ओर। लेकिन कथक जिस बड़े संकुल का हिस्सा है उस भारतीय शास्त्रोक्त नृत्य शैलियों के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। इन सबके समानता क्या है इसकी ओर हम अपना ध्यान देंगे। शुरू में हम देखते हैं कि हर एक भारतीय शास्त्रोक्त नृत्य शैली, चाहे वो कथक हो, भरतनाट्यम हो, उड़ीसी हो, उनमें नृत्य और नृत्य ये दो विधाएं हमें दिखाई देती है। नृत्य माने शुद्ध नर्तन और नृत्य जिसके साथ भावाभिव्यक्ति भी होती है, ये दोनों विधाएं हमें दिखाई देती हैं हर एक शैली में। आगे दूसरा एक साम्य समानता का पहलू है लास्य और तांडव। लास्य और तांडव नृत्य के दो अलग प्रकार नहीं हैं, ये नृत्य बरतने की दो विधाएं हैं। लास्य है स्त्री सुलभ मार्दवता से युक्त कोमल नर्तन तथा तांडव है पौरुषयुक्त नर्तन। तो ये दोनों विधाएं हम हर एक नृत्य शैली में देखते हैं। अगले दो मुद्दे हैं संगीत पद्धति और ताल पद्धति। नर्तन होता है तो उसके साथ में संगीत भी होता है और ताल भी होता है। तो हर एक शास्त्रोक्त नृत्य शैली के साथ किस तरह का संगीत होता है, तो या तो उत्तर भारतीय संगीत पद्धति का हम इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं, या तो कर्नाटक संगीत का साथ होता है नर्तन के साथ। एक सोपानम करके भी कथकली के साथ चलता है। तो लेकिन तीनों मिलकर सभी भारतीय नृत्य शैलियों का संगीत पक्ष संभाल लेते हैं। उसी तरह ताल पद्धति, या उत्तर भारत में हिंदुस्तानी ताल पद्धति का प्रचलन है और दक्षिण भारत में कर्नाटकी ताल पद्धति, दाक्षिणात्य ताल पद्धति का प्रचलन है। तो इन दोनों में से एक विधा हम देखते हैं कि हर एक शास्त्र नृत्य का ताल पक्ष संवार लेती है। सभी शास्त्रोक्त नृत्य शैलियां अपना अपना शास्त्राधार प्रकट करना चाहती है और किसी विशिष्ट शास्त्र ग्रंथ की ओर अपना अंगुली निर्देश करती है। उनमें से दो प्रमुख ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखा हुआ है और जिसका निर्मिति काल ईस्वी सन पूर्व 200 से लेके ईस्वी सन 200 तक का माना जाता है और ये मूल शास्त्राधार सभी शास्त्रोक्त शैलियों का है, प्रयोग क्षमक कलाओं का है, भारतीय कलाओं का। और दूसरा एक छोटा ग्रंथ भी जिसका निर्देश होता है बहुत बार, वो है अभिनय दर्पण, जिसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में और जिसके रचयिता है आचार्य नंदिकेश्वर। सो ये दो ग्रंथ है अभिनय दर्पण नंदिकेश्वर विरचित और भरत मुनि विरचित नाट्यशास्त्र, ये दोनों मूलतः सभी नृत्य शैलियों के आधार है। और एक खासियत है और समानता है सभी नर्तन शैलियों में, और वो है पैर में बांधे जाने वाले घुंघरू। तो घुंघरू का प्रयोग हर एक शैली में होता हुआ दिखता है, चाहे घुंघरू अलग हो, दो मुखी हो या चार मुखी हो, कम संख्या में हो या ज़्यादा संख्या में हो, लेकिन घुंघरू अवश्य बांधे जाते हैं पैर में। जैसे कथकली में हम देखते हैं कि जानू पे वो बांधते हैं घुंघरू,
लेकिन घुंघरू ज़रूर बंद है। तो ये भी एक समान पक्ष है हर एक शास्त्रोक्त नृत्य शैली में, और ये एक समानता है, भाषा का प्रयोग होता है। हम देखते हैं कि व्यवहार में हम जिस प्रदेश में पलते हैं उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा हम इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह जिस प्रदेश से वो नृत्य शैली आती है उसकी प्रादेशिक भाषा तो वो इस्तेमाल करते ही है, साथ ही साथ संस्कृत जो सभी भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है, इसका भी प्रयोग हर एक नृत्य शैली में होता हुआ हम देखते हैं। तो ये सब समानता है सभी नर्तन शैलियों में। अगली बार हम देखेंगे कि इन समानताओं से उठकर कथक अलग कैसे अपनी पहचान बनाता है, और उससे हम और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए विराम, धन्यवाद।